नमस्कार दोस्तों, मोशनेबल लाइफ आपका फिर से स्वागत है। तो कई बंदे मुझे कमेंट करते रहते हैं कि हमने इंडियन CDC अप्लाई किया है, लेकिन अभी तक हमारा जो स्टेटस दिखा रहा है, जो नेट पे डालते हैं, एंडोर्स नंबर डालते हैं डीजी की वेबसाइट पे, तो उस पर अभी अंडर वेरिफिकेशन दिखा रहा है। 1 महीना हो गया, कोई बोलता है 2 महीना हो गया, कोई बोलता है 3-4 महीना हो गया, अभी तक दिखा रहा है। तो क्या इशू आ रहा है, इस पर आप एक वीडियो बनाओ। तो आज की डेट में आप लोगों को बता दूँ, जो भी बंदा अगर आप ओपन CDC बनवाना चाहते हो बना सकते हो, इंडियन CDC ओपन में बन रही है। तो आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो पहले तो आपको पता ही होगा, जो भी बंदा अप्लाई करते हैं उसको पता ही होगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पासपोर्ट चाहिए, ST शेड्यूल सर्टिफिकेट चाहिए, जो बेसिक कोर्सेज हैं 5-6 जो वो कोर्सेज चाहिए आपके पास, क्या बोलते हैं 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, ये 4-5 चीज़ आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो कहाँ इशू आ रहा है, कई बंदे बोल रहे हैं कहाँ पे इशू आ रहा है। देखो पहली बात तो है कि मार्कशीट का इशू हो रहा है कई बंदों का, मतलब स्टेट बोर्ड तो चल रहा है, सेंट्रल बोर्ड भी चल रहा है, CBSE और स्टेट बोर्ड आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका क्लियर कर देंगे जहाँ तक है मेरे हिसाब से। NIOS में प्रॉब्लम कर रहे हैं अभी भी, NIOS का भी अटका के रखा, जिसके पास NIOS का मतलब मार्कशीट था उसका थोड़ा अटका दिया, क्योंकि NIOS का भी ये हो गया है कि मान्यता है या नहीं अभी पता नहीं, लेकिन है मान्यता, NIOS का क्लियर कर देंगे मुझे लग रहा है। जिसके पास भी जिसने भी NIOS का मार्कशीट दिया 10th बेस पे, उसका क्लियर हो जाएगा। और भी कई जगह से लोग करते हैं, कहीं से पढ़ाई करते हैं 10th की, ओपन स्कूलिंग कर लिया कहीं और से, तो उनका प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन सेंट्रल बोर्ड का और आपका स्टेट बोर्ड का कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने दिया मार्कशीट तो आज नहीं तो 1 महीना हो गया, तो 10-15 दिन और वेट कर लो, आपका हो जाएगा कहीं ना कहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा कि आपका नहीं बनेगा या आपके आपके पास आएगा नहीं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेन मेन जो चीज़ें हैं जहाँ पे वो लोग देख रहे हैं वो मार्कशीट ही देख रहे हैं, मार्कशीट हिसाब से आपका और जो आपका कोर्सेज है CCLU से कोर्सेज है, एंडोर्स नंबर है, वो सब चेक कर रहे हैं। अगर जहाँ तक मेरे हिसाब से अगर आपका सब क्लियर है तो आपका क्लियर कर देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी बंदा सोच रहा है कि 1 महीना ज़्यादा हो गया क्या होगा क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, आराम से आप वेट कर लो थोड़ा, और जितना वेट किया थोड़ी दिन बाद आपका इशू करके आपके घर पे आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग का डिले हो जाता है, कई लोग का अंडर वेरिफिकेशन दिखा देता है, दबा के रख देते हैं डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि कई लोग का CDC रहता है आपका नहीं रहता, कई पुरानों बंदों का भी है, नए बंदों का भी है, री इशू करना है फिर इशू करना है, तो ये सब प्रॉब्लम आती रहती है थोड़ा बहुत। तो वेट कर लो थोड़ा, जिसका भी है 1 महीना हो गया, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, सब एकदम जेन्युइन चीज़ें हैं, तो आपका क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो भी होगा मेरे को कमेंट करना, कई बंदे इसी के ऊपर पूछ रहे थे कि क्या हिसाब है, अंडर वेरिफिकेशन दिखा रहा है वहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा जब आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जो भी होगा मेरे को कमेंट करना, आज के लिए बस इतना ही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय।